हेलो दोस्तों, ऐसे मैं आपको कंपनी बताने जा रहा हूँ जो दोस्तों बहुत हेवी नुकसान देगा। मतलब अगर आपने उसको ख़रीदा है तो आपको बहुत बड़ा लॉस देने वाला है, ठीक है? और क्यों देने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक है, यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों 6 कंपनी, मतलब कि 6 कंपनी दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अगर आपके इस पोर्टफोलियो में ऐसे कंपनी है तो मैं बोलूँगा अभी उसको सेल करके निकाल दीजिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक में आपको क्यों नुकसान होगा, ठीक है? स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ रीज़न। दोस्तों निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जिस हिसाब से दोस्तों निफ्टी गिर रहा है, अगर ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, अगर 1 वीक में, मतलब कि 1 वीक, 4 या 5 दिन ही अगर निफ्टी ऐसे ही गिरते रहा दोस्तों 1000-2000 पॉइंट करके, तो ऐसे 5 या 6 स्टॉक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला स्टॉक का नाम है दोस्तों GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका जो अभी करंट वैल्यू चल रहा है 16 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है दोस्तों? मैं आपको रीज़न बताना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। आप उन स्टॉक से दूर रहिए जिसमें मतलब कि दोस्तों शेयर होल्डर जितने भी प्रमोटर हैं दोस्तों उनकी हिस्सेदारी कम है। कम से कम अगर उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर गिरवी है तो आँख बंद कीजिए और निकल जाइए वो स्टॉक से, आँख बंद करके, ठीक है? इसमें देख लेते हैं दोस्तों इसका शेयर होल्डर में कितना गिरवी रखा गया है, वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जिस हिसाब से अगर देखते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा, बात सही है भाई, गिर रहा है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर मार्केट में गिर रहा है तो अगर शेयर होल्डर, मान लीजिए कि जो प्रमोटर है उनके पास अगर कुछ है ही नहीं, तो नुकसान किसको होगा? आप जैसे छोटे निवेशकों को, ठीक है? क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आधा से ज़्यादा 45% जो है इन्होंने अपना क्या किया दोस्तों, प्लेज कर दिया है। अगर नुकसान भी होगा तो क्या प्रमोटर्स को होगा? नहीं होगा। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है जिस स्टॉक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी प्लेज रखी गई हो, और अगर लेस देन 50% या लेस देन 60% है तो दोस्तों वो स्टॉक से आपको दूर रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर मोर देन 50%, अगर मान लीजिए कि 60%, ठीक है, फोकस कीजिएगा 60%, अगर मोर देन 60% प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो आप उस स्टॉक को होल्ड कीजिए, ठीक है? आप उस स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है दोस्तों वो स्टॉक आपको बाउंस बैक करके आपका जितना भी पैसा गया है वो निकाल के दे देगा। लेकिन आप अगर ऐसे स्टॉक में पैसा निवेश करते हो जिसमें दोस्तों प्रमोटर्स खुद अपने शेयर को प्लेज कर देते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो दूसरा स्टॉक है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हो मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ठीक है? मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों, 429 के आसपास चल रहा है। इसका देख लेते हैं कितना प्लेजिंग है। तो इनका अगर हिसाब किताब देखते हैं मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का, तो भाई इनका तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ है ही नहीं, और जो कुछ भी है 2 रुपया 4 रुपया इनके पास है, कुछ भी बचा हुआ है तो इन्होंने प्लेज कर दिया है 20%, ठीक है तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है उन्होंने प्लेज कर दिया। तो ये क्या आपको खरीदना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी, मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर अच्छे प्रमोटर्स हैं दोस्तों, उनको बिलीव है कि मेरा कंपनी लॉस नहीं दे सकता चाहे जो भी हो, मान लेते हैं कि दोस्तों मार्केट की वजह से गिरावट हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा स्टॉक अगर रिकवर करके देता है तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को प्लेज नहीं करेंगे, पहली बात, और अपना जो दोस्तों ये है वो इंक्रीज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देंगे। और इन्होंने क्या किया, उल्टा, जस्ट ऑपोजिट। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंपनी से दूर रहना है, और अपने पोर्टफोलियो में भी देखिए ऐसे कंपनी है तो देखिए, एक चीज तो मैं आपको सीधी सीधी बता देना चाहता हूं भाई, देखो कंपनी डूबे चाहे ना डूबे, प्रमोटर्स डूबे चाहे ना, लेकिन आप जरूर डूब जाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं भाई, तुम गरीब हो। जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में खेलते हैं, लेकिन आप कितना में खेलते हो? 5 रुपया 10 रुपया के लिए सब्जी मार्केट में जाके झगड़ा कर लेते हो कि भाई 10 की है 5 में 3 दे दो, करते हो कि नहीं करते हो? जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग क्या कर पाएंगे, तो इसीलिए हम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो रख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी कंपनी से दूर रहो, यहाँ तक कि अपोलो हॉस्पिटल को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इसलिए, क्योंकि इसका भी शेयर थोड़ा बहुत गड़बड़ है, ठीक है? तो इसका अगर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज़ का, एक मिनट,
ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज़ का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेचारे के पास है ही कितना, 30% है, ठीक है, खुद कितना रखे हैं 30%, लेकिन वो 30% में से भी इन्होंने 20% प्लेज कर दिया, तो बचा क्या? अगर कल को इनका शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या प्रमोटर्स को कोई टेंशन है, प्रमोटर्स को कोई जिम्मेदारी है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई नुकसान तो आपको होगा, इनके पास तो कुछ है भी नहीं, और जो भी है वो भाई येलो कलर में प्लेज रखा हुआ है। तो ऐसी कंपनी से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, ठीक है, तो आपको फोकस करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, एजुकेशनल लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई लाइक करने में कैसी कंजूसी है, आपका पैसा नहीं लगता, बस आप एक लाइक करते हो तो हिम्मत बहुत आती है और तरह तरह के वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा जो है उत्साह आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोला कि दोस्तों निफ्टी में अगर इतनी बड़ी गिरावट हो रही है डेली, आपने तो देखा भाई 2 से 3,000 तक की गिरावट हो गई है मार्केट में पर डे, एक दिन के अंदर में, ठीक है। तो ये दोस्तों 12,500 के आसपास निफ्टी गया था, उसके बाद 8,500 के आसपास चला गया, इतनी बड़ी गिरावट। अगर कल को मार्केट अगर 7,500 या दोस्तों 7,000 के आसपास जाता है, तो जो मैंने आपको जैसे जैसे स्टॉक बताया उसमें आपको भारी नुकसान देखा जाएगा। क्या आप एग्जांपल देखना चाहते हो कि अगर निफ्टी में 1,000 पॉइंट का गिरावट आता है तो आपको वैसे स्टॉक में कितना नुकसान हो सकता है? तो एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा स्टॉक दिखाया था? जीएमआर इंफ्रा, ठीक है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि ये चार्ट एक हफ्ते पहले कहाँ था, किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में किस प्राइस पे है। तो भाई देख लो, ये स्टॉक 27 रुपीज़ को टच करके आज चला गया था दोस्तों 14 रुपीज़ पे, 15 रुपीज़ पे, नहीं, 14 को ये टच कर दिया है भाई, 14 को टच कर दिया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इतनी लंबी गिरावट को अगर आप परसेंट में निकालोगे, कोई चीज़ अगर 27, मान लीजिए 30 रुपीज़ का स्टॉक, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है, अगर 30, मान लीजिए अगर 30 रुपीज़ का स्टॉक आपको अगर 50 में हो, 14 या 15 रुपीज़ में मिलता है, तो सोच सकते हो अगर हमें मोर देन 50% अपना खोना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कल को अगर जीएमआर इंफ्रा अगर 10 रुपये में भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात तो रहेगी नहीं, अगर निफ्टी गिरता है तो, लेकिन आप जैसे निवेशकों का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं तो लेके निकल जाओ भाई, ऐसे स्टॉक से दूर रहिएगा, ठीक है। और जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, मार्केट अगर बॉटम बना रहे, तो अच्छे वाले स्टॉक खरीदा करो, गैम्बलिंग मत करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो लाइक करके ज़रूर इंक्रेज कीजिएगा। और दोस्तों मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि 2 मिनट के अंदर में आप एक स्टॉक सेलेक्शन कैसे कर सकते हो जो बहुत अच्छा स्टॉक हो और आपको बहुत अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने कुछ देर पहले ही, मतलब 4-5 घंटे पहले ही अपलोड किया है दोस्तों, 4-5 घंटे। तो प्लीज़ आप जाके ये वीडियो देखो, ताकि आपको ये तो पता चले कि हाँ भाई आपको कैसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए और कैसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। वीडियो का थंबनेल आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो, ये थंबनेल है आपके सामने, ठीक है, यही मिलेगा हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।